हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजल जायसवाल और आप देख रहे हैं आई लव डॉग्स। आपका स्वागत है आज की एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंडिया की एक फेमस डॉग ब्रीड पोमरेनियन की प्राइस के बारे में जानेंगे। इंडिया की बहुत सी सिटीज़ में पोमरेनियन की प्राइस अलग अलग है, तो उन सभी के बारे में जानेंगे और इसके मंथली एक्सपेंसेस के बारे में भी जानेंगे। तो अगर आप भी इन सभी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले करना चाहता हूँ। पार्वो वायरस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपके पास भी एक डॉग है तो प्लीज़ जाकर पार्वो वायरस वाली वीडियो ज़रूर देखें। हो सकता है आपके डॉग को पार्वो हो गया हो, सिम्टम भी आपके सामने हो, लेकिन आप सिम्टम्स के बारे में नहीं जानते, पार्वो का इलाज करेंगे उसे नहीं जानते, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को जाके एक बार ज़रूर देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पोमरेनियन डॉग इंडिया में काफ़ी फेमस है, इसलिए इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये आसानी से इंडिया में अवेलेबल हो जाता है। इसीलिए इसकी प्राइस दूसरे डॉग्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। 5,000 रुपये से 15,000 रुपये तक आपको एक वाइट पोमरेनियन डॉग देखने को मिल जाएगा। इसकी प्राइस कम या ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप कहाँ से पोमरेनियन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी एक पोमरेनियन के लिए आपको 15,000 रुपये से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसी के ही छोटे भाई टी कप पोमरेनियन की बात करें तो ये आपको 10,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक देखने को मिल सकता है। अमेरिका में ये काफ़ी फेमस है, लेकिन अब इंडिया में भी काफ़ी फेमस होता जा रहा है। टी कप पोमरेनियन को माइक्रो पोमरेनियन, मिनी पोमरेनियन या फिर टेडी पोमरेनियन के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू गूगल, मुंबई में एक हेल्दी पोमरेनियन डॉग की प्राइस 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक हो सकती है। वहीं दिल्ली में इसकी प्राइस 10,000 रुपये से 15,000 रुपये तक हो सकती है। हैदराबाद में इसकी प्राइस 8,000 रुपये से 15,000 रुपये तक है और भोपाल में इसकी प्राइस 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक हो सकती है। एक पपी लेते समय आपको कुछ बातें ऐसी हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे एक्सपीरियंस ब्रीडर, एक एक्सपीरियंस डॉग ब्रीडर से ही कोई भी आपको पपी लेना चाहिए। उसकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है, वो किस प्रकार का डॉग देता है, डॉग हेल्दी है या नहीं, वह रजिस्टर्ड ब्रीडर है या नहीं, ये सभी बातें एक बार देख लें, उसके बाद ही किसी भी ब्रीडर से आपको डॉग लेना चाहिए। ट्राई करें कि हमेशा एक रजिस्टर्ड पपी ही खरीदें, पपी के सारे सर्टिफिकेट आप ले लें, क्योंकि यही सर्टिफिकेट आपकी पपी की प्योरिटी और हेल्थ को डिफाइन करता है। कई बार देखा गया है कि ब्रीडर अपना खर्चा बचाने के लिए 45 दिन से छोटा पपी किसी भी व्यक्ति को दे देते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि 45 दिन से छोटा पपी आप ना लें, क्योंकि इससे छोटा पपी आप लाते हैं तो उसकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है और उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि 45 दिन से छोटा पपी कभी ना लें। अगर आपने एक पोमरेनियन डॉग लाने का सोच लिया है तो आपको उसके मंथली एक्सपेंसेस के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मंथली एक्सपेंसेस आपको पता होगा तो हो सकता है आप उसकी केयर अच्छी तरह से कर पाएँ। अगर आप एक पोमरेनियन को घर का खाना देते हैं तो इसका खर्चा ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन घर के खाने के साथ साथ आप उसे डॉग फूड भी देते हैं तो इसका लगभग खर्च आपको 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक हो सकता है। डिपेंड करता है आप किस कंपनी का डॉग फूड अपने डॉग को दे रहे हैं। पोमरेनियन एक बड़े बालों वाली डॉग ब्रीड है, इसीलिए आपको इसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका हेयर फॉल काफ़ी होगा, जिससे आपको काफ़ी परेशानियां आने वाली है। लेकिन अगर आप इसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे तो कुछ हद तक आप इसे कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रश, कंडीशनर, साबुन, शैम्पू इत्यादि चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप इन सब के खर्च की बात करें तो लगभग 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक हो सकता है। डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन पर होने वाला खर्च लगभग 2,000 रुपये से 3,000 रुपये तक हो सकता है। डिपेंड करता है आप किस सिटी में रहते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स और मेडिसिन का चार्ज क्या है। अगर ओवरऑल एक मंथली एक्सपेंसेस की बात करें तो लगभग 1,500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक हो सकता है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने पोमरेनियन के ऊपर खर्च करना चाहते हैं। आप इसे कम भी कर सकते हैं और आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे ट्रीट्स हो गए, खेल खिलौने हो गए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपके डॉग के ऊपर कितने रुपये तक स्पेंड करना चाहते हैं।
पोमरेनियन एक छोटी साइज़ की क्यूट डॉग ब्रीड है जो कि इंडिया में काफ़ी फेमस है। अगर आप इसे लाना चाहते हैं तो आपका डिसीज़न बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तरह से ये आपके घर को गार्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये गार्ड डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर गार्ड डॉग्स नहीं कहें तो हम इन्हें वॉच डॉग्स काफ़ी अच्छे कह सकते हैं। ये घर की देखभाल काफ़ी अच्छे से करते हैं और छोटी डॉग ब्रीड होने की वजह से छोटे घरों में, छोटे अपार्टमेंट में भी आसानी से रह सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको एक पोमेरेनियन की प्राइस के बारे में पता लगा होगा, और पोमेरेनियन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपका रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए आई लव डॉग्स।